उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए ग्रामीण आगे आ रहे हैं। ग्रामीणों ने एक स्कूल का जीर्णोद्धार भी किया है। हरिद्वार में अलीपुर का प्राइमरी स्कूल बेहद खस्ता हालत में है। ये राजकीय प्राथमिक स्कूल 1950 के दशक का है। वर्तमान में इस विद्यालय में 400 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस स्कूल की दशा भी ग्रामीण क्षेत्र के अन्य स्कूलों जैसी ही है। व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होने के कारण विद्यालय में पढ़ाई का स्तर भी लगातार गिर रहा है। जिन कमरों में कक्षाएं चल रही हैं, उनकी दशा भी काफी खराब है। फर्श टूट कर खराब हो चुका है और बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। बच्चे चटाई पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सिर्फ 3 कमरों में ही फर्नीचर लगा है और सर्दियां आने वाली हैं। ऐसे में इन बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ने से सर्दी लगने का खतरा बना हुआ है, लेकिन बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चों की हालत को देखते हुए एक ग्रामीण ने अनूठी पहल शुरू कर 3 क्लास में फर्नीचर लगवा दिया और पीने के लिए एक हैंडपंप लगवा कर बच्चों को राहत देने का काम किया है। स्कूल प्रबंधन की ओर से शासन प्रशासन को कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीण बच्चों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं।